करती हो। अगर माँ जितना बेटे से प्रेम करती है परमात्मा से करे तो परमात्मा भी प्रकट हो जाए। प्रेम के ही कारण माँ को जाना जाता है। दो माताएं लड़ रही थी, एक बेटा था, एक कह रही थी मेरा, दूसरी बोली मेरा। दोनों में इतनी लड़ाई बढ़ गई कि राजा के यहां पहुंची दोनों उस बेटे को लेके। राजा ने कहा क्या बात है? उसने कहा मेरा बेटा है। उसने कहा मेरा बेटा। राजा ने कहा सुनो, इसे बीच में से काट दो, आधा इसे दे दो आधा इसे दे दो। असली माँ बोली, जो असली माँ थी बोले राजन मैं आपके चरण पकड़ती हूं, इसे काटे ना और इसे ही दे दे। बोले क्यों? बोले कम से कम मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा, जीवित तो रहेगा, और जब मेरा मन करा करेगा तो इसी के घर देख आया करूंगी, लेकिन इसे काटो मत। राजा ने कहा यही माँ है। राजा ने कहा यही माँ है, उसे कैद में डाल दिया, बेटा इसी को मिला। क्योंकि प्रेम से माँ पहचानी जाती है। जितना माँ प्रेम करती है दुनिया में कोई नहीं करता। एक महात्मा कहते थे कि अगर पुत्र अपने टुकड़े करके माँ के आगे डाल दे तो भी बेटा माँ के ऋण से उऋण नहीं होता, माँ के कर्ज से मुक्त नहीं होता। क्यों? कि बेटा जब परिदेश को जाए, बेटा जब परदेश जाता है सब सोचे कुछ लेकर आए, पत्नी कहे धन दौलत लाए, पत्नी कहे आभूषण लाए, पिता कहे धन दौलत लाए, और माँ माँ क्या कहती है कि माँ सोचे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा वापिस आ जाए। ये माँ का प्रेम है। देखिए चाहे सारी संपत्ति खराब कर दे बेच दे लेकिन मेरा बेटा वापिस आए। और जिस दिन से बेटा विदेश जाता है उसी दिन से माँ रोजाना मंदिर जाती है। सब मंदिर में सब मांगते हैं और माँ एक कोने में रो करके कुछ नहीं मांगती, खड़ी रहती है मंदिर के मंदिर के कोने में बैठ कर रोज दुआ करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, 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 माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा इतना माँ करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। ये माँ का ममत्व है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि बेटा सन्यासी बने और माँ उसे सन्यास बनता देख ले और रो करके माँ अगर ये कह दे कि बेटा तू तो सन्यासी बन जाएगा, जब मैं मरूंगी तो मुझे दाग कौन लगाएगा, तो इतना अधिकार हमारे ग्रंथों में दिया है कि माँ के मरने पर सन्यासी हुआ बेटा भी दंड का मंडल छोड़ करके माँ की दाह संस्कार करे, उसे माँ को दाग देना चाहिए और बाद में फिर दंड का मंडल उठा ले। इतनी छूट दी है माँ के लिए। आज नारद जी आए